जय हिंद। मैं सपना अग्रवाल, आई बिग वंडर। क्लासरूम मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात से समझ में आता है कि हर स्कूल, हर टीचर वेरियस एज ग्रुप से कहते हैं कि क्या वो टेक्निक्स हैं, वो प्लीज बताइए, जिससे कि हम अपनी क्लासेस को ज्यादा इफेक्टिवली चला सकें। देखिए, वो क्यों, कौन कौन सी रीजन है जिसकी वजह से क्लासरूम मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर क्लासरूम अच्छे मैनेज्ड होंगे तो उसके आउटकम्स क्या होंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें। और कुछ एक जिसको बोलते ना वो जादू मंत्र वाली चीज, मैजिक मंत्रास, वो मैं आज आपको अपने वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लास्ट तक पूरा वीडियो देखेगा और उसके बाद इसको सबके साथ शेयर करें। सभी क्लासेस अच्छी मैनेज होनी चाहिए। तो देखिए, इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए क्या फायदा होता है, स्टूडेंट का एंगेजमेंट इंक्रीज होता है। कैसे इंक्रीज होगा, क्योंकि एक ऑर्डरली लर्निंग एनवायरमेंट क्रिएट होगा अगर क्लासरूम मैनेज्ड है। फिर स्टूडेंट की जो एकेडमिक सक्सेस है या उसकी स्किल्स है या कॉम्पिटिटिवनेस है, उसमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। और सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट स्टूडेंट्स का बेटर होता है। तो ये तीन चीजें शुरुआती तौर पर हम तय कर रहे हैं कि क्लासरूम मैनेजमेंट से होने वाला है। अब मैं वो आपको तीन पॉइंट्स शेयर करती हूं, अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली क्लासरूम मैनेजमेंट बेटर होगा। कैसे, क्या क्या पॉइंट्स करने, वो आगे डिस्कस करेंगे। पर ये तीन पॉइंट्स क्या, सबसे पहले आप एम्फसाइज करेंगे स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उनका बिहेवियर पैटर्न क्या होना चाहिए और वो क्या सीखना चाहते हैं। अब ये तो बड़ा अजीब सी बात नहीं हो गई, क्या सीखना चाहते हैं। सिलेबस आपको पता है, कैसे लेसन प्लानिंग करी है वो आपको पता है, पर मैं कह रही हूं ये स्टूडेंट्स के साथ डिसाइड करें डेफिनेटली। दूसरा पॉइंट ये है, प्रमोट एक्टिव लर्निंग एंड स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट। वो तो बिल्कुल ही नहीं करना है कि देखिए हम आपको पढ़ा रहे हैं और आपको सीखना है। सो इट हैज टू बी एन इंटरैक्टिव सेशन, राइट। फोकस ऑन लर्निंग आउटकम्स। फाइनली लर्निंग आउटकम्स क्या निकलने वाले हैं, इसके ऊपर हम तय करेंगे। देखिए, क्लासरूम के एक मतलब आप विजुअलाइज करके देखें तो जो क्लास है उसमें हम मान के चलते हैं आइडियली 30 से 40 बच्चे, कई बार कुछ क्लासेस में ज्यादा बच्चे लोग बिठा लेते हैं, ठीक है, वो उनका अपना अरेंजमेंट, कितनी बड़ी क्लास छोटी है। पर दो तीन पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है हर टीचर के लिए वेरियस एज ग्रुप्स के अंदर। नंबर वन, जब आप स्टूडेंट डेस्क और टेबल को लगा रहे हो ना, तो कुछ एरिया बड़े कंजेशन एरियाज होते हैं। जैसे अगर टीचर वॉक करके वहां तक जाना चाहे तो वहां पर कंजेशन होगा, माने उनको टापना पड़ेगा, बैग या बॉटल रखने पड़ेंगे। तो ऐसी जगहों को कंजेशन फ्री करें, पहले से तैयारी करें कि उनके बैग बॉटल कहां पर रखे जाएंगे, राइट। जब आप क्लासरूम में बच्चों को बिठा रहे हैं, ये तय होना चाहिए कि हर बच्चे को टीचर दिखाई दे और टीचर को हर बच्चा दिखाई दे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो गड़बड़ हो रही है। टीचिंग मटेरियल या जो स्टूडेंट यूज करेंगे लगातार एक्टिविटीज के लिए, वो मटेरियल आपके लिए बड़ा हैंडी होना चाहिए, आपके आसपास होना चाहिए, रेडिली एक्सेसिबल जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और दो चीज, क्योंकि टीचर कम से कम दो तरह के इंस्ट्रक्शन देती है, एक होती है होल ग्रुप इंस्ट्रक्शन और एक होता है स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन। तो जब आप होल ग्रुप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो जो ग्रुप है वो क्या एक दूसरे को देख पा रहे हैं, उनको ये पता चल रहा है कि जो टीचर इंस्ट्रक्ट कर रही हैं वो दूसरों को कैसे समझ में आ रहा है, एक दूसरे की नॉडिंग देखते। क्योंकि अगर सिर्फ हर एक को सिर का पीछे दिखाई देगा एक दूसरे के आगे पीछे बैठने से, तब तो वो होल ग्रुप इंस्ट्रक्शन हुआ ही नहीं। तब तो आप एक्सपेक्ट करेंगे इंडिविजुअली हर एक को समझ जाएगा। तो मेरे पॉइंट में डिफरेंस समझ में आ गया ना। दूसरा, मैं जो कहती स्मॉल ग्रुप, कई बार क्या हम क्लास में एक्टिविटी करवाते हैं जिसमें हम उनको स्मॉल स्मॉल ग्रुप के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं, तो स्मॉल ग्रुप के अंदर द टीचर शुड बी एबल टू रीच टू दैट स्मॉल ग्रुप और आप उसको मॉनिटर कर पाए, कंपैरिजन कर पाए ऑब्जर्व करके दूसरों से कि दूसरे स्मॉल ग्रुप्स क्या कर रहे हैं। तो देखिए, यहां पर मैंने बहुत सारी चीजें आपको ये बताई कि एक क्लासरूम एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या चीजों को हमको ध्यान रखना चाहिए। अब आती है बात क्लासरूम मैनेजमेंट में कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो एक टीचर को जरूरत पड़ेगी, उनके साथ जो उनके रिसोर्सेज है, टीचर का बोर्ड, जो लर्निंग बोर्ड होता है, जो पीछे उनके ब्लैक बोर्ड होगा या व्हाइट बोर्ड होगा, या कई बार आप साइड में खड़े होते हैं और स्मार्ट बोर्ड को यूज करते हैं, डिजिटली डिजिटल बोर्ड को जो आप यूज करते हैं, राइट। तो देखिए, आपको कुछ एक चीजें उसके ऊपर ना बहुत क्लियरली मेंशन करनी चाहिए। जब हम बच्चों को कहते हैं राइट डाउन टुडेज डेट, तो आपने डेट, पुरानी चीजें आपको उसके ऊपर डेट लिखी रखी रहनी होनी चाहिए। आप क्या टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, डू यू वॉन्ट चिल्ड्रन टू राइट और डू यू वॉन्ट चिल्ड्रन टू ओपन ओनली ओपन द बुक्स एंड अंडरस्टैंड। जब आप अंडरस्टैंडिंग उनको करा रहे हैं तो क्या क्या रिसोर्सेज आप यूज करेंगे, ये पहले से प्लान है ना लेसन प्लान में, कि आप वीडियो दिखाएंगे उनको या पीपीटी दिखाएंगे उनको या मॉडल करेंगे, उनके साथ कोई मॉडलिंग आप लेकर आए हैं या कोई हैंड्स ऑन एक्टिविटी कराएंगे।
देखिए क्योंकि ये क्लास का जो टाइम होता है अमूमन 35 से 45 मिनट के बीच में शेड्यूल होता है, तो इसको हम बहुत बड़ा या इलेबोरेट नहीं कर सकते, हर चीज प्लान हमको लेकर चलनी पड़ती है। क्लासरूम मैनेजमेंट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो जो मैंने मैजिक मंत्रा बोला था, वो मैजिक मंत्रा ये है कि जब आप टॉपिक क्लोज कर रहे हो तो उसका रिकैपिटुलेशन जरूर करें, चेक करें कि व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स, क्या समझा क्या सीखा बच्चों ने उस टॉपिक के अंदर, अदरवाइज आपने बता दिया उन्होंने कर लिया और क्लोज करते वक्त ये सब कुछ हुआ ही नहीं। मैंने अपने कुछ वीडियोस में पहले एक रिफ्लेक्ट कनेक्ट इमेजिन RCI करके एक एक्टिविटी के बारे में बताया है, उसके बाद मैंने एक वीडियो के अंदर ऑनलाइन ऑफलाइन इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में बताया था। आप जरूर उन वीडियोस को भी देखिएगा, इस वीडियो के साथ कुछ आपको एक्स्ट्रा और या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेटजीज वहां से भी मिलेंगी। तो देखिए बहुत सिंपल तरीके से मैंने आज आपको ये चार पांच चीजें बताई। जब टीचर, अब थोड़ा सा क्लासरूम मैनेजमेंट में और समझ लेते हैं, देखिए आपको बच्चों की नोटबुक्स कलेक्ट करनी पड़ती हैं, करेक्शन वर्क करना पड़ता है। हाँ, हालांकि आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है और कई बार आप ऑनलाइन होमवर्क दे रहे हैं और वो डिजिटली भी करेक्ट हो रहा है और आप बच्चों के साथ डिस्कशन ज्यादा करते हैं। खैर, आप क्या टेक्निक या क्या टूल यूज कर रहे हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में नोटबुक्स कलेक्ट कर रहे हैं, लेकर जा रहे हैं, उनको ध्यान रहे कि जिन बच्चों को आप अपने साथ तक स्टाफ रूम में लेके जा रहे हैं, अच्छा लगता है बच्चों को वो नोटबुक्स कैरी करना, ध्यान रहे कि वो उतने टाइम में वापस आ पाए कि वो अपना नेक्स्ट क्लास को मिस नहीं करें, राइट? बिकॉज वो एंग्जाइटी, या कई बार क्या बच्चे बीच में वाटर ब्रेक ले लेते हैं या बीच में बच्चे टॉयलेट ब्रेक ले लेते हैं, तो उन सारी चीजों का भी हमको ध्यान रखना है। अदरवाइज कलेक्ट द नोटबुक्स, लेट द बंडल बी ओवर देयर एंड लेटर ऑन यू कैन कम एंड कलेक्ट इट या यू कैन आस्क समबडी एल्स टू ब्रिंग इट। तो बेसिकली क्लासरूम इज एन इकोसिस्टम, है ना? और इस इकोसिस्टम के अंदर कौन कौन मौजूद है उस वक्त? लर्नर एंड टीचर। क्या हो रहा है क्लास के अंदर? पेडागॉजिकल प्रोसेस। व्हाई दिस पेडागॉजिकल प्रोसेस इज हैपनिंग? सो दैट यू कैन मेक देम लर्न अंडरस्टैंड समथिंग। हाउ यू आर डूइंग इट? यू आर डूइंग इट एन इंटरएक्टिव वे। इससे बेनिफिट क्या होगा? दे विल बी इंप्रूव्ड लर्निंग आउटकम्स। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन भी बस यही बात कह रही है that effective classroom management techniques and strategies can change the complete game which a teacher is executing in that class. All the best for your classrooms and all the best for your teaching strategies. I'm sure your video bahut hi helpful hone wala hai. Mere video ko like kare, channel ko subscribe kare, sabke sath zarur share kare. Main hamesha kehti hu that everybody has a right to say I think wonder. Apne comments chode, jo sawal man mein ho poochhe. Aaj ke liye jai hind.